बोले भाई कि हमारा घर उगे के लड़े लगी तब वो पवन भैया खड़ा होकर हम साथ देवे के तैयार। मतलब पवन भैया, पवन सिंह से अभी कितने देर पहले आपकी बात हुई है? परसों बात। पवन सिंह आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़े? निर्दलीय आरा से भी लड़ सकते थे, जब निर्दलीय ही लड़ना था तो क्या आरके सिंह से डर गए थे? काराकाट तो क्या खेसारी लाल यादव और तूफानी लाल यादव, यादवों का वोट पवन सिंह के तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जाएंगे प्रचार में। अरे हमनी के हरदम पवन भैया की सीट निकल जाओ, अपन यहाँ के जहाँ से भी लड़ा हमनी के साथ देवे के बाद। अब रहल बात जगह जाते हैं पर बात कर लिया जाए, काराकाट यादवों का गढ़ है, तूफानी लाल यादव क्या पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जाएंगे, यादव वोट देंगे, तूफानी लाल यादव वोट खींचने की कोशिश करेंगे? हमार केहू गुलाम नहीं है ना, केहू केहू गुलाम ना, ना। रिक्वेस्ट कर सकी ना, हाँ। आ रिक्वेस्ट करम पवनो भैया से माने मुद्दा बनावल जाए कि हाँ अपन जीवन हमारा अंदर बहु है, कुल मुद्दा रखल जाए, अभी समय बा मुद्दा रखल जाए। आ हमनी के हरदम पवन भैया के सीट निकल जाओ, अपन यहाँ के जहाँ से भी लड़ब हमनी के साथ देवे के बा। अब रहल बात जगह जगह के समीकरण के होला, हाँ। तो ये का समीकरण बा? देखिए वहां पर समीकरण है, यादवों का गढ़ है काराकाट तो क्या खेसारी लाल यादव और तूफानी लाल यादव, यादवों का वोट पवन सिंह के तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जाएंगे प्रचार में। अरे हमनी के तो चाहते हैं कि आरजेडीएस, हमनी के तो हार्दिक की इच्छा है आरजेडी से आ जाइम, तो वहां पर सीट है, आरजेडी कहां से आ जाएगा? ऐसन बात ना होला, एमएलसी मतलब कि दो जिला मिला के होला, सांसद एक जिला होखेला, तब कैसे का समीकरण? माले का सीट है वहां पे, अच्छा, माले का है, माले का सीट है वहां पे। अच्छा माले का सीट निकल, राजा राम सिंह। अच्छा जी, अच्छा हमनी के देखी केहू लड़ी, हम तो कहले भाई कि हमारा घरों के केहू लड़े लगी तब वो पवन भैया खड़ा होकर हम साथ देवे के तैयार। मतलब पवन भैया के लिए आप आरजेडी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यादव का मतलब पवन भैया ही है। घरे के केहू लड़ी तब हम भैया, जब हमारा समय रहे बुरा समय रहे तो अगला आगे पीछे जात नहीं, नैया नहीं ना देखा था, नहीं देखा या था। अगला उसके लिए, उस अगले के लिए हम कुछ किए नहीं ना थे, तो जेकरा खातिर वो कुछ ना कोई नहीं, वो अगला खड़ा होकर वो साथ देनी, तो आदमी कर ना साथ दे तो भगवानों को दुख लगे, दुख लगेगा। तो ऐसे एहसान मंद जो एहसान कैल रहा ओकर भुलाए के ना चाहिए। पवन सिंह से अभी कितने देर पहले आपकी बात हुई है? परसों बात भई रहे, परसों हमने बतियाले रह जा, क्या चुनाव के लेके क्या कुछ प्लानिंग है पवन सिंह? हम ही पूछा नहीं कि भैया सब पोस्ट उस्ट आवे लगल, हाँ। निर्दलीय निर्दलीय हमारा खराब लगल, तो हम ही पूछे काहे के निर्दलीय भैया होते हैं काहे ऐसे ऐसे, तो कुछ अंदरूनी बात वहां का अपन बताई नहीं कि हाँ बाकी लड़ल जाए, पर लड़ा जाए काराकाट से तैयार है पवन सिंह। अच्छा चुनाव प्रचार में कौन कौन आ सकता है, क्या क्या संभावना है, क्या खेसारी लाल यादव आपको क्या लगता है, आप कलाकार है, कलाकार की नजर से? अधिया पे भोजपुरी में कहा कहला, अधिया पे ढेला ना ढोए के चाहिए, बात समझी, अधिया पे ढेला ना ढोए के चाहिए। जो अब जेकरा आवे को होई, जेकरा प्रेम होई कलाकार से, आज जे कलाकारी जिसन जेकर संबंध रिवाई, हाँ। पर तूफानी लाल यादव से जाते जाते एक सवाल पूछेंगे, क्या जो वहां पर लगातार युवा नेता है चाहे नेता है मेहनत कर रहे हैं और पवन सिंह डायरेक्ट ऐलान करते हैं काराकाट से चुनाव लड़ने का, उनका क्या होगा? तो हर सांसदीय क्षेत्र में चाहे विधानसभा क्षेत्र में वार्डो का चुनाव हो लो, तो 10 आदमी 13 आदमी 19 आदमी भर देते हैं वार्डो में, हाँ। तो एक ही आदमी नहीं जीती, 18 आदमी तो भाई परास्त हो न, तब उनका खातिर अब कर का हुई तरह बताई उनकर का हुई। तो पवन सिंह आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़े? निर्दलीय आरा से भी लड़ सकते थे, जब निर्दलीय ही लड़ना था तो क्या आरके सिंह से डर गए थे? हमारा लड़े कर तेजी से लड़े जीती, अरे से तो अरे से, ये देखिए तूफानी लाल यादव का बड़ा बयान, तूफानी लाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमको लड़ना होता तो हमारा से लड़ जाते, आप आरा से लड़ जाते, तब लड़े तो एक में डर भाई क्या कहला जी, क्या डर होला? मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह से मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक की बात नहीं, अपन अपन आदमी बा, में अपना अपन टीम बा, अपन सहमति भइल जे अपन ऊंच नीच सोच के घाटा नाफा सब सोच के आदमी चुनाव लड़े ले, तब केहू काहे लड़ता? अब रउरा दाल भात सुबह में खाते, हम रउरा से आके कहीं काहे दाल खाता हो, काहे बात नहीं है, दाल भात का बात, अरे बात नहीं है, और उस समय मन भोगो बना के खा सकत रही ना। देखिए तमाम सवाल है, पर तमाम सवालों के साथ तूफानी लाल यादव हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर पर बता दें इनका टेंगे टेंगे, और ये देख लीजिए ये खेसारी लाल यादव कहते हैं लेंगे लेंगे और तूफानी लाल यादव कहते हैं टेंगे टेंगे। ये तस्वीर, ये लड़की है जो उर्फी जावेद बनी हुई है। वैसे पवन सिंह के मामले में तमाम सवालों का हमने जवाब लिया तूफानी लाल यादव से, पर काफी सवाल पावर स्टार पवन सिंह से बनते हैं और लगातार हम उसे जवाब लेने का कोशिश भी करेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। क्या कह रहे हैं सर? लटका के रखिए ना, देख ले भैया, क्या बोल रहे हैं? अरे रुक अब अच्छी तरह, ये सब हरकत मत कीजिए सर, ये सब हरकत मत कीजिए, इधर पीछे से ये देखिए, क्या ये सब, ये देखिए, अरे मच्छर इनका काटता है उसे महाराज लगे रहो।
सामने हरियर हरियर पहना देते हैं, कोई कुछ आके काट उठ लेगा। ए तमाम मुद्दे के साथ लगातार बने रहिए, मैं था तेजा, आप सभी देखते हैं। सर्च मारिए टेंगे टेंगे तूफानी लाल यादव, गाना को प्यार दुलार दीजिए मधुसूदन फिल्म पर, आए प्यार दुलार दीजिए। बढ़िया लगी तो कमेंट करके बताइए जा, ना बढ़िया लगी तो बताइए जा, अगला गाना कैसा। चलिए जय हिंद जय बिहार, बने रहिए लगातार।